कलर कैसे बन रहा है? ये वाइट कलर है। ये सारी टाइल जो हैं ये बन चुकी हैं। ये ग्रीन, वाइट और रेड, ये छत वाली टाइल है। अगली टाइल जब इसके साथ यहाँ आती है तो ये डिजाइन से डिजाइन। ये देखें इस तरह की बस आ रही है, ट्रक वाली बस। यहाँ बसें होती हैं जिनका मुंह आगे से ट्रक की तरह होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम वेलकम करते हैं आपको अपने एक न्यू व्लॉग में। जैसा कि अमीर ने आपको बताया था कि हम आए हुए हैं अपने गांव में, और इस वक्त मैं अपने गांव में मौजूद हूं और अपने गांव से थोड़ा सा दूर अपनी ज़मीनों की तरफ आया था। अच्छा, यहां से थोड़ा सा करीब मेरे एक दोस्त हैं, उनको मैंने कॉल किए, वो वेट कर रहे हैं। उनका प्रेस है जो जहां पर टाइलें और ये गार्डर वगैरह बनते हैं, तो आए फिर चलते हैं उनके पास। जी दोस्तों, मेरा गाँव यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, और जो मेरे दोस्त हैं उनका जो प्रेस है यहाँ पर, उसको प्रेस कहते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल जो है वो मिलता है और टाइलें वगैरह बनती हैं, इसको प्रेस कहा जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त की प्रेस पे। ये यहाँ पर आपको कुछ ये कच्चे मकान नज़र आएंगे, ये वाले, ये यहाँ पर जो डेरा गाजी खान के पठान लोग हैं, ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर आबाद हैं। तो ये लकड़ी का काम करते हैं, यहाँ आपको लकड़ी नज़र आ रही होगी, ये लकड़ी का काम करते हैं। यहाँ पर जो लकड़ी की कटाई होती है, लोग अपने दरख्त वगैरह बेचते हैं, तो वो ये पठान लोग ख़रीदते हैं और इसको ख़रीद कर फिर यहाँ पर कटाई करते हैं। कटाई करके कुछ लोकल लोगों को भी बेचते हैं जो लकड़ी जलाते हैं अपने घरों में। और इसके अलावा जो मंडी लगती है लकड़ी की, गुजरांवाला, रावलपिंडी, यहाँ से दूर वहाँ पर भी लेके जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे गांव की जो ज़मीनें हैं उनका व्यू है। यहाँ पर गंदम लगी हुई थी, अभी कटाई हो चुकी है, और ये जानवर जो है यहाँ पर बचा कुचा जो गंदम है खा रहे हैं। और ये देखें यहाँ पर भी ये कच्चे मकान, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ठंडे और बहुत खूबसूरती से बनाए जाते हैं। और ये लोग एक्सपर्ट हैं, ये जो पठान लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, ये इस तरह के घर बनाने में एक्सपर्ट हैं। और ये एक प्रेस है जहाँ पर ब्लॉक बन रहे हैं, इसको भी प्रेस कहा जाता है। बस आ रही है, आपको दिखाते हैं बस। ये देखें इस तरह की बस आ रही है, ये ट्रक वाली बस है। ये बस है ट्रक वाली, जो मैंने उस दिन आपको अपने व्लॉग में बताया था कि यहाँ बसें होती हैं जिनका मुंह आगे से ट्रक की तरह होता है। चलो अच्छा हो गया आपने भी देख ली। ये है हमारे दोस्त का जो प्रेस। यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल वगैरह भी अवेलेबल है, ये बजरी का है, ठिया इसका, गार्डर्स हैं, सरिया वगैरह, इससे टाइल बनती है, ये वो मटेरियल है। हाँ जी सनी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से? काम शाम कैसा चल रहा है? हम आए हैं आपके पास बैठने के लिए, थोड़ी देर गपशप लगाएंगे। ये सनी जनाब हमारे बचपन का दोस्त है, और ये है राजा फैसल साहब। मैं अपने पिछले व्लॉग में इनका जिक्र कर चुका हूँ, आप इनसे मिल चुके हैं। इनका भी यूट्यूब पठवार हंटर के नाम से एक चैनल है, आप वो भी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। और ये सनी साहब हैं, इनके भाई एक शहीद हैं, मैं आपको उनका भी इंट्रोडक्शन दे दूं। ये, और आपको पता है कि ये इनको तमगा बसालत भी जो है वो मिल चुका है, ऐसी बात है माशाल्लाह। ये इस वतन की मिट्टी के लिए जो है अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं, तो ये बड़ा अजीम रुतबा है शहादत का। और आए सनी साहब, मुझे ज़रा अपना दिखाएं हम लोगों को कि आप कैसे प्रेस चला रहे हैं, फिर उसके बाद गपशप लगाते हैं। जनाब पहले आपकी क्या खिदमत करें, चाय चलेगी, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे। ये टाइलें हैं जी, ये छत वाली हैं, फर्श वाली हैं, जैसे आपके कमरे का फर्श है। ये कलर बन रहा है, रंग का। ये तो वाइट है जी, जी। तो कलर कैसे बन रहा है? ये वाइट कलर है। अच्छा, ये वाइट कलर है, तो अगर किसी को जैसे वो ब्लैक है और रेड है और वो चाहिए हो, तो फिर इसी वाइट के अंदर कलर डालते हैं? नहीं नहीं, वो अलग अलग बनते हैं। ये सिर्फ सुपर वाइट है,
अगर व्हाइट बनाना है तो ब्लैक कलर डालना पड़ेगा। ये है क्या? ये मतलब एक ये पाउडर किस चीज का है? मार्बल का पाउडर है। अच्छा, ये मार्बल का पाउडर है, वाह। अच्छा, आपके पास सीमेंट भी होता है? ये अपने काम के लिए सीमेंट है या सेल परचेज के लिए? अच्छा, गुड। ये सारी टाइल जो हैं ये बन चुकी हैं माशाल्लाह। ये देखें गाइस, अब तो गांव में देहात में भी मार्बल वगैरह का ट्रेंड आ गया, लेकिन ज्यादातर सबसे पहले यही वाली टाइल जो है इस्तेमाल होती थी, है ना? अब भी ज्यादातर यही होती हैं। छतों में भी, क्योंकि छत इस तरह के होते हैं गांव में, गार्डर वाले जी। अब तो लेंटर वाले भी आ गए, लेकिन ये छत जो है ये ज्यादा ठंडे होते हैं, इनका ये फायदा होता है, ऐसा ही नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, ये क्या ठिया है जी? ये जनाब इस पे टाइल तैयार होती है। अच्छा जी, ये इस तरीके से ये टाइल बनाई जाती है। ये इसका सांचा है टाइल का, इसके अंदर अब ये सीमेंट डालेंगे। ये सीमेंट डाल दिया है। नहीं, ये रंग, ये कलर है, ये कलर। अच्छा, ये कलर था, ये सीमेंट डाला है अभी। इस तरह से इसको ऊपर से प्रेस करेंगे। ये एक लोहे का सांचा है काफ़ी वजन का, ये इसके ऊपर रखेंगे। फिर ये जो ये हाइड्रोलिक सा है, ये इसको इस तरह बंदे ने घुमाया, और ये देखें, जब इसने इसको घुमाया तो उसने सारा अपना जो वेट था वो इस सांचे के ऊपर डाला, तो जिससे वो टाइल जो है अच्छे से प्रेस हो गई। ये देखें, ये काफ़ी मेहनत तलब काम है। और दिन को कितनी एवरेज है, आप कितनी टाइलें बना देते हैं? तकरीबन 600-700 के लगभग। 600-700। अब ये देखना, ये इसने अभी सांचा रखा ऊपर और आगे किया और ये घुमाया, ये टाइल बन के तैयार हो गई। अब उसके साथ ही एक पुरानी टाइल लगाते हैं और उन दोनों को फिर फ्रेम में रख देते हैं सूखने के लिए। इसके बाद थोड़ी देर बाद इसको धूप में रख देंगे, धूप में जब खुश्क होगी तो फिर इसको पानी वगैरह लगाया जाएगा। ये देखें, यहाँ पर इस तरह की जो लॉन में टफ टाइल लगाई जाती है, या जो घर में जो फ्री एरिया होता है वो भी यहाँ पर ये लोग बनाते हैं। ये देखें, फुटपाथ पर जो लगती है, बिल्कुल बिल्कुल। ये इसके में रेड कलर है ना, ये ब्लैक है। हाँ, ये डिज़ाइन है, बिल्कुल गुड। ये फिर आगे डिज़ाइन चलता जाएगा, इस तरह फूल बनता जाएगा। इनको ये बाले हैं, क्यों क्यों पानी में भिगोया हुआ है? ये एक हफ्ता पानी में रखते हैं, एक हफ्ते के बाद ये तैयार होते हैं, फिर इसको आगे हम इधर लगा देते हैं, फिर ये सेल हो जाता है। गुड। ये रिहायशी एरिया है जी? जी नहीं, ये भी एक कारखाना, ये भी इधर लगा हुआ है। अच्छा, एक कारखाना ये भी है। अच्छा, एक कारखाना ये भी एक्स्ट्रा है, फिलहाल इसको यूज़ नहीं कर रहे, अगर कुछ ज़्यादा ऑर्डर आ जाए तो फिर यहाँ पर भी काम वगैरह लगा दिया जाता है जी। जी, इसकी कितनी हाइट होती है बाले की? 5 फुट? 5.5 फुट है इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 7 फुट होती है, मतलब उसके जिस तरह ये कलर पड़े हुए हैं, रंग है। अच्छा, ये रंग है, ठीक है। यहाँ पर कबूतर भी बैठे हैं। गुड। ये मिक्सिंग मशीन है, ये ब्लॉकों की मशीन है। ब्लॉक भी बनाते हैं जी? जी, ब्लॉक अभी मतलब ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर के हिसाब से बनाते हैं। सही। मुर्गे वगैरह ये भी आपने रखे हैं? गुड। खुली जगह है इसका, ये तो फायदा है, आप यहाँ पर मुर्गे वगैरह रख लें, वो दिन को खुद ही खाते पीते रहते हैं,
और बड़े हो जाते हैं जी, इनको बिल्कुल बताया हुआ है इनकी सिर्फ रहायश फ्री है, इनकी रहायश फ्री है जी जी, खाना पीना इनका अपना है, पीना इनका अपना है। और ये टंकी भी है जी बनी हुई है, ये सीमेंट की टंकी है, ये प्लास्टिक की एक टंकी होती थी जो छतों के ऊपर रखते थे, ये उसके नाम और बदल एक सीमेंट की तैयार हुई है, ये गर्मियों में ठंडा पानी रखती है और सर्दियों में गर्म पानी रखती है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है यार, जबरदस्त। शहरों में वैसे ये होनी चाहिए कोई इसका सिस्टम, अच्छा शहरों में मैंने ये नहीं देखा, लीकेज नहीं होती इसकी? नहीं नहीं कोई लीकेज नहीं है, लाइफ टाइम गारंटी है। अभी इसका पानी कितनी गर्मी है चेक करें, ठंडा है। लेकिन ये तो अभी साये पे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सीमेंट की टंकी इतनी जल्दी गर्म नहीं होती है, गर्म नहीं है। ये इसका ऊपर ओवरफ्लो वाला। अच्छा एक ये चीज है देखिए जी, ये है चूल्हा, गांव में जो चूल्हा इस्तेमाल किया जाता है, ये इसका फ्रेम है और फ्रेम के अंदर वो जो कंक्रीट का मसाला है वो डाल के सरिये की तारें भी डालते हैं इसके अंदर, इसके अंदर सरिये की तार और डालकर कंक्रीट इसको बनाया जाता है। ये वो चूल्हा है जो आम घरों में लोग खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कंक्रीट से बनाया जाता है, ये देखें ज़बरदस्त। ये पाले बनाने वाला सांचा है ऐसा ही है? ये सब पाले। अच्छा ये सांचे बने में इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें पहले हम सरिया फिट करते हैं? नहीं पहले इसको डीजल लगाते हैं, इसका तेल लगा कर इसको सब रेडी करते हैं ताकि चिपक ना जाए मटेरियल इसके साथ, ये छोड़ जाए पाले को। फिर इसको हम करते हैं मतलब इसके अंदर जिस साइज के सरिये हो वो सरिये डाल देते हैं, उसके आगे फिर वो इसकी रोके लगा के फिर इसको ब्राई कर। ठीक, मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ कि जो गाँव में जो घर हैं वो आपके जो है ना वो लेंटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह के मुख्तलिफ कलर्स हैं, टाइलों के डिज़ाइन हैं, अभी जब ये साफ़ होगा तो ये बहुत प्यारा हो जाएगा। तो अगर आप गांव में रहना चाहते हैं, आप गांव में रह रहे हैं, तो फिर आपको लेंटर और वो अपना छत जो है कंक्रीट के करने की क्या ज़रूरत है, आप एक जो गाँव की ट्रू सेंस है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। अब ये देखें, ये लोग अपनी मर्जी से भी वो कलर चेंज करवा सकते हैं, डिज़ाइन भी, ये ग्रीन वाइट और रेड जी जी, तीन कलर का कॉम्बिनेशन है। हमारे पास तकरीबन 200 के लगभग डिज़ाइन है, जिस तरह का ऑर्डर आता है उस तरह का हम ऑर्डर पे। अच्छा ये घर के सहन में लगने वाली टाइल है ना? ये सहन में लगने वाली, ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ खुले से सहन होते हैं, आपको पता है। अब एक घर का सहन है, जैसे अब आपने हमारी हवेली देखी थी, उसका तकरीबन सहन जो है वो 2 कनाल का सहन है, तो उसमें फिर मार्बल लगाना जो है वो भी मुनासिब नहीं है, और मार्बल का ये है कि वो कुछ अरसे के बाद जो है वो धूप में अगर लगाए तो उखड़ना शुरू हो जाता है। ये भी छत, ये छत वाली टाइल है, ये छत वाली टाइल, ये डिज़ाइन है, और ये अगली टाइल जब इसके साथ यहाँ आती है तो ये डिज़ाइन से डिज़ाइन मिल के ऐसे लंबाई में बन जाता है। ये बाले और TRN के ऊपर इस्तेमाल होती है, और ये जो है ये भी TRN के ऊपर इस्तेमाल, हाँ ये भी TRN के ऊपर इस्तेमाल होती है। गुड जी दोस्तों, तो आपने देखा ये हमारे दोस्त का कारखाना था, और आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ क्या क्या काम होता है, किस तरीके से होता है, और इंतहाई मुनासिब रेट है गाँव के लेवल का, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के अपना घर बनाते हैं, और सबका यही हाल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लेस एक्सपेंसेस है, खर्चा इसका कम है ज़रा। पाकिस्तान बनने से पहले का गांव है, फिर हम इस चीज़ को उसके नंबर मतलब उसको रवाज को बरकरार रखते हुए इस चीज़ को हम ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। नहीं ये सही, अगर गांव में मैं समझता हूँ कि अगर आप रह रहे हैं तो फिर कंक्रीट की यहाँ पर वो नई दुनिया बनाने का मकसद नहीं है। अगर आप गाँव में रह रहे हैं, खुली जगह हैं, तो आप अपना रहन सहन भी ऐसा रखें कि ताकि आपको फील हो कि आप गांव में रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत थैंक यू, हमारे चैनल पर जो है वो 1K सब्सक्राइबर जो है कम्प्लीट हो गए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बैठते हैं, कुछ गपशप लगाते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में।